आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। NRIS है ना, यानी कि NRIS जो है बेटा, इनके द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित शर्त या शर्तों में से कौन सी पूरी की पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, ये 1, 2 और 3 हमें दिए गए हैं, तो ये हमें सही उत्तर चुनना है इन विकल्पों में से कि क्या ये तीनों ही होनी चाहिए, अ क्या केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 या फिर केवल 3, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिए एक एक करके। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मैं मेन पॉइंट पर ही आ जाता हूँ कि भारत के निर्वाचन में मतदाता बनने के लिए, है ना, मतदाता बनने के लिए जो NRIS जो होते हैं, है ना, NRIS जो कि भारत के होते हैं लेकिन वो किधर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ, को निर्वाचन, है ना, पंजीकरण कार्यालय के साथ, कार्यालय के साथ फॉर्म नंबर 6A, है ना, 6A भरकर पंजीकरण करना होता है, भरकर पंजीकरण, है ना, करना होता है। मेन पॉइंट तो ये वाला है, है ना। और NRIS जो है वो अपना मत डाक, मेल आदि के द्वारा दे सकते हैं, और ये अपना मत डाक, मेल द्वारा दे सकते हैं, मेल, ये ईमेल वगैरह वाला, है ना, मेल द्वारा दे सकते हैं। तो ये वाला है बता कथन। अब जो हमसे इसमें बोला गया है कि अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान से शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए, गलत। NRI चाहे तो दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त हो या नहीं हो, मतदान के प्राप्त होते हैं, नहीं बेटा, NRIS को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म नंबर 6 भरकर पंजीकृत करना होता है, ये तीसरा केवल सही है बेटा हमारा। ठीक है, तो जो हमारा सही जवाब है वो है द, बाकी के हमारे गलत हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।